परमेश्वर ने हम लोग को बहुत प्रेम किया है, समय दिया है ये वचन में आगे बढ़ने के लिए, वचन के अनुसार हम चलने के लिए। अभी वैसे हमारा मैडम ने बता रहे परमिंदर में ये क्यों हम चर्च में आता है, क्योंकि वचन सुन के वो वचन में हमारा मन सोच को चर्च चलन को बदलने के लिए है। ये सबसे बड़े बात है, खाली सुनने के लिए नहीं बदलने के लिए है। ये कपड़ा बदलने के लिए नहीं, मन बदलने के लिए। मन पहले उसके बाद बाहर बदलना है, ये हमेशा याद रखना। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम चलते जाते हैं, कुछ काम करते हैं, किसके लिए हम करते हैं ये हम नहीं सोचते हैं, समझ सकते हैं ना। ऐसे चेतन में हम लोगों को मूर्खता बनाया है, पागल बनाते हैं। जो हम काम करते हैं वो बिना सोच के हम करते हैं। चार्ज भी संदेह में चर्च में जाना है किसके लिए ये हम नहीं सोचते, किसके लिए, क्योंकि आदत हो गया। आदत भी अच्छा है लेकिन किसके लिए हम जाना है ये हमेशा हमारा वहां बड़े चर्च में भी बता रहे। वहां में तो अलग वक्त 200-300 ऐसे होते हैं, कभी 1000 भी मीटिंग होता है। वहां में भी हमेशा बोलते हैं किस प्ले चर्च में आप आते हैं, खाल देखो हम उसका आराधना के लिए वचन सुनने के लिए बोलते हैं। किस प्ले वचन आप सुनते हैं, क्यों आप वचन सुनते हैं, क्यों आप प्रार्थना करते हैं, इसको और दोबारा सोचना जरूरी है। समझ सकते हैं ना, हर काम में हर चीज में ये सोचने में क्या होते है, ये जीवन सही होता है। बिना सोच के हम ये दिल्ली में रहते बहुत रास है, बहुत जल्दी जल्दी है। सुबह हम हमारा मदम हम दोनों आया है, वो भी कल रात एक प्रचारक मेरा घर में आया है, सोया है। सुबह सुबह में उस उठाए हो वो कभी किसी जगह में प्रचार करना है, आराम नहीं मिलता यहाँ पे। क्योंकि जब हम आते हैं मदम ने क्या करते है रास्ता में अपना लिपस्टिक ले रास्ता में ऐसे किया है, तो मुश्किल से ऐसे के मैंने बोले मदम ये शिक्षा पैसे थोड़ा मिनट पैसे करके आप देखो, तो वो बहुत खुश है। क्योंकि मैं क्या बोलना चाहते है समय नहीं है, समझ सकते है ना। जल्दी जल्दी हम भागते हैं, जब आप चलेगा ये रास्ता में टू व्हीलर भी चलेगा थोड़ा, एक बार क्या होता है ये रेड लाइट हो जाएगा आते ना, और थोड़ा से वह कुछ एक गाड़ी कुछ खराब हो जाएगा तो पीछे में धक्का मारेगा। देखो जल्दी जल्दी भागना है, सोचने के समय नहीं है ये शैतान, सोचने के समय नहीं दिया है। हमारा लड़की लोग वहां हमारा फेलोशिप लोग भी सुबह सुबह जल्दी भागते हैं, कई लोग तो रात में काम करते हैं। आराम के लिए समय नहीं है, आराम के लिए समय नहीं है। ये मेरा बेटा भी समय नहीं मिलता है, तो उसको उठाना जरूरी है, स्कूल छुट्टी हो जाए काम आगे में बढ़ते है, सोचने के लिए समय नहीं है। ये आजकल ये संसार बहुत जल्दी चल रहे है, आप धीरे धीरे जाएगा तो सबको पीछे आप हो जाएगा, समझ सकते हैं जवान लोग। आप लोग धीरे धीरे चलेगा तो आप सबसे लास्ट में हो जाएगा। हम इसमें भाग रहे हैं, हम भागने के लिए तैयारी होना है, समझ सकते हैं ना। इसलिए देखो ये आप दुनिया ये किसी ने आपको इंतजार नहीं करेगा, आप भी सोचना है। एक बहुत बड़े ऑफिसर मेरे को बात किया है, एक कंपनी वाले ने उसको दोबारा कोई दूसरा क्या होता है जमींदारी देने के लिए उसने उन लोग ने उसको बोला है। उसने मेरे को फोन किया, पादरी मैं क्या करूं, मेरा पास बहुत अभी काम है, इसी कंपनी ने मेरे को इसी जमींदारी को फिर देना चाहता है। मैंने बोला थोड़ा मैं प्रार्थना करूंगा, एक दो हफ्ता के बाद दोबारा मेरे को फोन करो। फिर दो हफ्ता के बाद उसने फोन किया, मैंने बोला आप जमींदारी लेना, मैंने बोला जमींदारी को अब लेना है। उसने बोले मेरा पास समय बहुत कम है, बोलते हैं आपकी समय ऐसे लंबा करना है, अपना क्या जांच करना जरूरी है, समझ सकते हैं ना। ये पहले 6 बजे में उठेगा तो वो 5:30 बजे में उठना जरूरी है, ऐसे हम टाइम को ये मैनेज करना है, ये भी जरूरी है। और उसके साथ साथ सबसे जरूरी सोचना है, समझ सकते हैं ना। ये आप काम करते वो काम को सोच के साथ करना, बिना सोच में आप करेगा तो कभी कभी डेवलप नहीं हो जाएगा। रात में कभी कभी क्या करते हैं,
और हमारा बीवी बच्चों सोने के बाद मैं उठूंगा, आराम से बैठूंगा, जीवन के बारे में सोचता है, एक दिन ये मेरा बीवी भी मरना है, मेरा लड़का भी मरना है, मेरा बेटी भी मरना है, ये कम से कम 5 मिनट ऐसे में सोचते हैं। तब कभी कभी लोगों को हाथ को लेके मैंने ऐसे करते हैं, समझ सकते हैं ना मेरा बात, ऐसे सोचने में जीवन सही चलता है, नहीं होगा तो अभी लड़ाई करते रहेगा, मरने के बाद अब दुखी हो जाएगा, घर में लड़ाई होते रहेगा, एक दिन आप मरना है। मैं जिस दिन मुंबई में गए, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत बड़े ऑफिसर है एक आर्मी में, चीफ मेडिकल ऑफिसर है, उसके बारे में थोड़ा आप लोग को बताना चाहूंगा। जब मैं बाइबल स्कूल में गए, ये दोनों उसका पति पत्नी को मैंने वचन को दिया है, दोनों में यीशु मसीह को पाया, उसी दिन से मेरे को बहुत अच्छा लगते है, घर में मेरा घर में भी आते, मैं जाते कुछ मेरा जरूरत को, लोग ने हमेशा मेरे को मदद करता है, जब पैसा जरूर हो तो लोग मेरे को मदद करते हैं, लेकिन दोनों हमेशा ऐसे होता है क्योंकि उसका बीवी काम करते है, उसका पति काम नहीं करता है, उसका हाथ पर हमेशा मैं हूं ऐसे बोलने वाला है, हमेशा ऐसे होता है, समझ सकते है ये लड़ाई तलाक नहीं करते, एक में कुछ बोलेगा वो कुछ हो जाए, कुछ होते रहे, कुछ होते रहेगा, हम जाते मैंने उसको दोनों को बताते रहते ये सही नहीं। उसका बीवी थोड़ा कुछ डिमांड करते है, मेरे को छोड़ो, मेरे को ले लो, लेकिन वो क्या नहीं ऐसे बोला, हर चीज उसका बीवी करे उसने कुछ बोलेगा, वो 2020 में 21 में वो उसका हाथ कैंसर में मर गया, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, उसको उसके हाथ बन चले गए, मैं तुरंत जाना चाहते है नहीं जा पाता है, इसी साल में हम लोग गए एक हफ्ता उसके साथ, उसका बीवी दो लड़की है दो बेटे, तीनों को एक अपना कमरा में अपना मकान में मुंबई में रहते हैं, एक हफ्ता हम उसके साथ रहते हैं, उसने मेरे से क्या बोलते है, उसने इसे बोला है पादरी साहब, वो भाई साहब है ना जो मैं हमेशा लड़ाई करते है, वो उसको दोबारा वो पास आएगा जिएगा, रोज मेरे को मारने के लिए भी वो पास मैं बुलाना चाहते लेकिन नहीं कर सकते, समझ सकते है मेरा बात, ये बहन जी ने बोले पादरी साहब वो मेरा हस्बैंड को रोज मेरे को डांटते हैं, मैं कभी कभी थक जाते हैं, लेकिन यदि दोबारा उसको जीना हो तो वो पास आ जाएगा, रोज भी एक मेरे को मारने के लिए भी मैं उसको वो पास देना चाहता हूं, लेकिन अभी नहीं दे सकता, वो बहुत पछता, उसका मुख देख के मेरा आंसू निकलते है, मैंने उसको बताते देखो ये जीवन होता है संसार में है ना, बिना लड़ाई में भी बहुत प्रॉब्लम है, समझ सकते हैं ना, आपका परिवार आपका जीवन आपके हाथ में है, प्रभु की दया में, इसलिए आप लोग ध्यान सोचना है और दिमाग को इस्तेमाल करना है, नहीं होगा तो चेतन को जो जिसने जो हत्या करते हैं वो शुरू में हत्या करने के लिए कोई अपना आप तैयारी नहीं करते, धीरे 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 चलते हैं, वो एक दिन क्या हो गया हत्या किया है, ये है इसलिए आप लोग हम लोग सोच के साथ जीवन जीना जरूरी है, ये मेरा पहला प्रचार है, और दूसरा हम देखेगा मती छे 24 से लेके लंबाई तक हम देखना है, थोड़ा जीवन के बारे में हम सीखना है, चौबीस से लेकर 34 तक हम देखेगा, काफी लंबे हम
पढ़ने हैं, मैं पढ़ना चाहते हैं क्योंकि मैं सिद्धार्थ चाहता हूँ, थोड़ा कुछ गलत हो पता बताना ठीक है। मैं 20 दिन है सिर्फ, मैं आप यहाँ प्रचार के लिए सीखने के लिए है, इसलिए मैं सीखना चाहूंगा, सीखना चाहते इसलिए आप लोग भी वो वचन जो मैंने पढ़ते थोड़ा कुछ गलत हो आप लोग बताना। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, बहुत सच्चाई है, दो मालिक होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, सही है ना। ये आपके पास बहुत संपत्ति हो सकते है लेकिन दो मालिक होगा तो जीना मुश्किल होता है। अभी सोचना है आपके पास मालिक कितना है, आपकी मालिक कितना है, आपके पास मालिक बहुत कितना है, स्वामी कितना है, हमेशा सोचना ही है, समझ सकते हैं ना। संसार में बहुत हमको कंट्रोल करना चाहते हैं, मालिक मतलब ये स्वामी का मालिक जिसने हमारा जीवन को चलाता है, ये है, समझ सकते हैं ना, जिसने हमारे जीवन को चलाता है वो है स्वामी। आप किसने आपका जीवन को चलाता है, नंबर वन ये आप सब इसको सवाल जवाब देना है, किसने मेरा जीवन को सुबह से रख में उठे और पूरा दिन 24 घंटे किसने मेरा जीवन को चलाता है, किसने कंट्रोल किया है, ये सोचना जरूरी है, समझ सकते हैं ना। आप बोले हो सकते हैं कि इस जवान लोग तो मोबाइल में होते ना, मोबाइल में कंट्रोल हो सकते, आजकल जब गाड़ी में चलाए किसी लोग तो बड़े बड़े लोग भी मोबाइल देखते हैं, मैं हमेशा गुस्सा होते हैं, पीछे में धीरे धीरे चलेगा, किसी को ध्यान नहीं देगा, अपना मोबाइल चलेगा ऐसे ऐसे, थोड़ा परमेश्वर हो तो लोगों को गाड़ी उठाना चाहते मैं, लेकिन मैं परमेश्वर नहीं हूँ इसलिए लोग को देने है नहीं हो वो तो पूरा मैंने उल्टा बनाऊंगा लोग को। स्वामी आपके जीवन में क्या स्वामी, कितना स्वामी है, कितना मालिक है, सोचना ठीक है। हम हमेशा बोलते हैं परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा प्रभु है, उसने आपका जीवन कंट्रोल किया है, ये सोचना है, हमेशा सोचना है। यदि आपके जीवन में अभी परमेश्वर आपके प्रभुता नहीं मानेगा तो आज आप उसको प्रभुता का रूप में स्वागत स्वीकार करो, नहीं हो तो आपका जीवन बहुत प्रॉब्लम हो जाए, दो शादी भी मुश्किल लगते है ना, पता नहीं हमारा मुसलमान भाई लोग ने कितना कितना शादी करता है, कितना बीवियों को रखता है, एक भी बहुत मुश्किल है ना सिमोन, एक भी देखभाल करना बहुत मुश्किल है, संगम भाई मुश्किल है ना एक बीवी को देखभाल करना, हमारा मुसलमान भाई लोग ने 4-5 देखभाल करते है, कौन से हिसाब इस्तेमाल करते, कौन से दिमाग इस्तेमाल करते, ऐसे जानवर की तरफ में कोने में रखेगा वो तो अलग बात है, देखो इसलिए हमारा जीवन का स्वामी कितना है, आपका जीवन का ये स्वामी कितना है, सेवा किस, इसलिए दो सेवा हम नहीं कर सकते, हमेशा ध्यान रखना खाली एक प्रभु है। हमारा यहाँ पे ये हमारा देश में बहुत भगवान है ना, ये बुरा मत मानना, मैं उसको कुछ बुरा नहीं बोलते लेकिन जो मैं जानते हैं वो है बहुत भगवान है, लेकिन हम लोग तो सिर्फ एक प्रभु है, 2-3-4 नहीं है, एक है, उसका नाम यीशु मसीह है, हमेशा ध्यान रखना उसके सेवा के लिए सिर्फ एक ही का सेवा है, हमारा पास एक जीवन है ना, एक देह है, एक विश्वास है और एक पवित्र आत्मा भी है, आपके पास कोई 2-3 जीवन नहीं है, किसके पास 3 जीवन है, अनर सिंह भाई कितना जीवन है आपके पास, एक है, कितना प्रभु है, एक है, ये हमेशा ध्यान रखना, 2 नहीं है, 1-3 नहीं है, एक है, आपका जीवन जिस दिन चले जाएगा दोबारा नहीं हो जाएगा, इसको हमेशा ध्यान रखना, इसलिए उसका सेवा भी खाली एक
प्रभु को सेवा होना चाहिए और या एक की एक से मिल रहेगा और दूसरा का दूर जानेगा। तो परमेश्वर और क्या है उसका बात, परमेश्वर और दान दोनों की सेवा नहीं कर सकता है। पहला वाला एक तो प्रभु हमारा, एक यीशु मसीह हमारा प्रभु है, उसने हमको कंट्रोल किया, लेकिन दूसरा आया उसका नाम क्या है, धन। ये पूरा संसार का ये भगवान है धन। आज आपके जीवन को सोच लो, किसने आपके जीवन कंट्रोल किया है, धन। सही है ना, इसमें तो हम सब हो गया। हमेशा मैंने देखता है ये चर्च में भी, हमारा चर्च में भी प्रॉब्लम आत्मिक का प्रॉब्लम नहीं, धन की प्रॉब्लम है। किसका प्रॉब्लम है, धन की प्रॉब्लम है, पैसा का प्रॉब्लम है, खाना पीने का प्रॉब्लम है, उसमें हम बहुत चिल्लाता है। मैं नहीं बोलते पैसा जरूरत नहीं, नहीं बोलते धन जरूरत नहीं बोलते, लेकिन उसने हमारा जीवन को कंट्रोल करते ये गलत है। मैं अभी तक ये करते हैं, वहां पे महिबलपुर में एक चर्च में वहां में मीटिंग हुआ, बड़ी मीटिंग, मैंने प्रचार किया, क्योंकि उस दिन में क्या होते बहुत लोग पैसा ने कंट्रोल किया। मैंने बोले सब अपना पैसा दस दिन में फेंकना और उसके ऊपर ये क्या लगाना, ये पैर लगाना। ऐसे मैंने एक जगह पे रखा है, आप अपना अपना पार्ट को निकल के यहाँ में फेंको यीशु मसीह का नाम में और उसके ऊपर में चलो, मैंने बोला है। आया एक एक में सबसे पहले तो ऐसे 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 हिलते हैं, लेकिन मैंने बोला यीशु मसीह का नाम में चलो, ये आपको बहुत बार कंट्रोल कर दी इसी धन में, आज के बाद ये नीचे रखना है। ये पैसा धन ये बुरा नहीं है, लेकिन जिस दिन आपका जीवन कंट्रोल करेगा उस दिन से ये क्या हो गया, ध्यान सुनना इसको, समझ सकते हैं ना। ये मोबाइल को खराब नहीं है, लेकिन मोबाइल आपका जीवन क्या कंट्रोल करेगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा है अच्छा नहीं है, ये ध्यान रखना। ये प्रभु की तरफ से पवित्र आत्मा हमको ज्ञान देना जरूरी है, समझ सकते हैं ना। जिस दिन आपको कंट्रोल करेगा वो पैसा को वो ऊपर हाथ ऐसे पैर लगाने के लिए ऐसे आते हैं, और अब सबसे पहले यीशु मसीह के नाम में उसने कदम उठाया है, तब लगाते आते हालेलुया बोला उसने, पता नहीं क्या पाया है, क्योंकि उसने क्या है स्वतंत्र मिला। यहाँ पे शुरू भर में मैंने कितना नोट मैंने फाड़ा है, आजकल तो मेरे आप लोग के सामने ये करना नहीं चाहते, नोट बहुत फाड़ा है मैंने, क्योंकि ये नोट हमको बहुत कंट्रोल किया, इसलिए मैं गुस्सा में फाड़ता है, समझ सकते हैं मेरा बात। ये पैसा को मैंने नफरत नहीं किया, लेकिन जब पैसा ने धन ने किसी व्यक्ति का जीवन कंट्रोल करता है ये गलत है। ये पैर में चलना है, लेकिन मेरा पैर ऊपर हो जाएगा, ये सिर नीचे हो जाएगा, मैं चलूंगा अच्छा लगेगा, क्या हो जाएगा मेरा नाक में क्या अंदर आ जाएगा, बारिश हो जाएगा, पानी फूल हो जाएगा इसमें, है ना। इसलिए सब चीज अपना अपना समय में स्थान पे है, ये ध्यान रखना है। मैं नहीं बोलते काम मत करना, मैं नहीं बोलते पैसा मत कमाना, पैसा कमाना है लेकिन हमको कंट्रोल करना नहीं है। मैं यहाँ पे देखते हैं बहुत लोग पैसा के द्वारा माँ बाप लड़ाई होता है, बहन भाई लड़ाई होता है, किसको बड़ा है, आपके आपका पड़ोसी आपके परिवार और पैसा कौन बड़ा है, आपका प्रेम और पैसा कौन बड़ा है, बताओ प्रेम। ये गलत होता है। शुरू में मैंने यहाँ पे एक भाई ने मेरे को स्कूटर दिया है, आप लोग बताओ दस स्कूटी मेरे शादी का पहले दिया है उसने, वो स्कूटी एक बार क्या होते मैंने मेरा भाई को बोले रूम को ये स्कूटी को आप मत चलाना, नहीं होगा तो खराब हो जाएगा। एक दिन वो जापान है निकल के गए उधर
देश के साथ कुछ हुआ, वो गिर गया, वो आया मैंने छप्पर मारा है मेरा बेटा मेरा भाई को, थोड़ा समय में मेरा परमेश्वर ने मेरे को बाधित किया है, आपके भाई और ये स्कूति कौन भरा है, दोनों संगति प्रेम और ये स्कूति कौन भरा है, ये मेरा दिमाग में जब सवाल आया है, तब मैंने सोचने लगे अरे ये गलत मैंने किया है, मेरा भाई का जीवन तो बच गया ना, लेकिन मैंने वो स्कूति को बहुत प्रेम किया लेकिन मैंने भाई को प्रेम नहीं किया। जब परमेश्वर ने मेरे को बता दिया, मैं बहुत गुस्सा में दंडे लेके स्तुति को मारा मैंने, अरे पागल मूर्खता के तरह से मैं जीते ना। इसलिए भाई बहन लोग ध्यान रखना, किस को आपके कौन है आपका स्वामी, हो सकते है पैसा धन। आज का बात मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, आज का बात पैसा धन ऊपर मत रखना, जेब में रखना, पैसा कहाँ रखना है, जेब में, लेकिन यहाँ में रखेगा तो गलत होता है, उसने हम कंट्रोल करते हर चीज को। मैं पादरी हूं, मैं भी सीखते रहता है, जब चार्ज हम देखभाल करते हैं, आजकल भी हमारा बड़े चार्ज में पैसा बहुत जरूरत है, बीपी में चार्ज बनाते हैं कम से कम 30 लाख जरूरी है, डिमांड आते हैं, और गेम के लिए बोलते हैं वहां में कम से कम 9 लाख जरूरी बोला, जो सोचने वाला सोचते है। और जवान लोग का मीटिंग के लिए लोग ने कम से कम 6 लाख 7 पॉइंट पैसा 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 का जरूरत है, कभी कभी पैसा बातचीत करने के लिए मन में आता है, और कई लोग आते बोले खाली पैसा आज का दान दान दान, क्या कब तक हम चलेगा पादरी साहब, ऐसे सवाल मेरे सुनते रहते हैं। मैं भी सीख को कलीसिया पर जब पैसा में कंट्रोल करेगा तो गलत, हमारा चार्ज में कभी कभी धन दौलत को सबसे ऊंचाने है, परमेश्वर सबसे ऊंचा है, हमेशा ध्यान रखना। हमारा आप हम दोनों का संबंध है ना, पैसा का द्वारा नहीं होता है। सिमोन भाई मेरा मसीह भाई, हम दोनों का संबंध है ना, पैसा धन दौलत का द्वारा नहीं होते, मसीह का नाम में होता है। आपने मेरे को मदद करते नहीं करते ये कुछ नहीं है, लेकिन आप 1 रुपया भी मदद मत करना, लेकिन हमारा संबंध किसके द्वारा हुआ है, मसीह का नाम है, हमेशा ध्यान, समझ सकते हैं ना, नहीं होगा तो हमेशा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हमारा स्वामी एक दोस्त दो व्यक्ति का दो स्वामी का सेवा नहीं हो सकते, इसको ध्यान रखना, दो स्वामी का सेवा नहीं हो सकते, ये सच्चाई की बात है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए या चिंता ना करना, किस लिए चिंता ना करना, प्राण के लिए, जीवन के लिए, जीवन किसने दिया है, इतना दुनिया में बड़े बड़े हॉस्पिटल आ गया, दुनिया में ज्ञान भी बहुत आ गया, आसमान भी जानते हैं लोग ने, समुद्र के नीचे में क्या होते हैं लोग जानते हैं, ऊपर भी कितना जानते हैं, और कभी ये रूम में ना गर्म हो तो ठंडा कर सकते हैं लोग ने, दुनिया ये मनुष्य का दिमाग बहुत ज्ञान बहुत हो गया, समझ सकते है ना। मैं तो सोचते है एक दिन है ना ये मोबाइल भी खत्म हो जाएगा, मेरे सोच ये आप लोग देख ना, 100 साल हम जिएगा तो देखेगा, दो अभी मैं बता रहे हमारा अंदर में सब चीज डाले, अभी मोबाइल ऐसे करना जरूरी नहीं, ये भी समय लेता है ना, इसे ये निकालना कभी कभी नाम निकलना है ना, वो समय लेता है, लेकिन मैं सोचते एक दिन तो मैंने ये भविष्यवाणी करते है, एक दिन हो सकते एक साल 100 साल के बाद तो किसी के हाथ में मोबाइल नहीं हो जाएगा, जब बच्चा पैदा हो जाएगा माँ बाप को बुलाएगा आपका बेटा बेटी का कितना मेमोरी कितना चाहते है, बोलेगा डॉक्टर ने पूछेगा उसने बोलेगा 5000 डालेगा, बस डालेगा, उसके बाद फैमिली फैमिली में अपना अपना नंबर हो जाएगा, और आपकी
वो मोबाइल है ना ऐसे करना दिमाग में, मैं सिमोन को फोन करना चाहता है, तुरंत सिमोन को कॉन्टेक्ट हो जाए, ये भी आ जाएगा। 50 साल का पहले मोबाइल पे सोच लो, लोग सब बोलते हैं ऊपर के लिए अभी है ना। वो शुरू में मैं यहाँ में आया, सबका घर में क्या टेलीफोन ये एमटीएनएल वाला लाइन वाला, कभी कभी लाइन में वो खराब होते हैं, राम रतर को बुलाते रहते हैं, हैं? जिसका पास ये एसटीडी कॉल होते हैं, वहां में लाइन होते हैं, कहा अभी एसटीडी कॉल मिलते हैं, हम लोग सब खत्म हो गया। और जब शुरू में थोड़ा अमीर के हाथ में ये है, क्योंकि फोन ये टेलीफोन है ना, वो मोबाइल है, इनकमिंग भी कितना है, 5 रुपया 8 रुपया 10 रुपया कुछ बोलते हैं, 26 रुपया ये है। खाली जिसको अमीर उसके हाथ में है, जो लोग भी, मेरा मामा है ना, मेरा मामा भी उसका पहले टाइम फोन इतना लंबा है, वो सीमेंट कुछ है, जिसके हाथ में बड़ी बड़ी क्या होता है, लोगों में सबको मिलाना चाहता है, ऐसे ऐसे चलते ऐसे, ये इस हाल में वहां में एक जगह में हम मीटिंग में गए, पादरी वहां में, पादरी का हाथ में भी किसी का हाथ में फोन नहीं है इतना लंबा, एक पादरी का हाथ में है, उसके का पास है, वो दरवाजा में खड़े, उसका फोन ऐसे ऐसे करके हाथ मिलाता है, ऐसे समझ सकते हैं क्या, क्योंकि सबको दिखाना चाहते है। पुराना समय में ये क्या होते, घड़ी नहीं ना, जब घड़ी को जिसके पास घड़ी होते है फोटो खींचने के लिए ऐसे करते हैं, ऐसे समझ सकते हैं ना, ऐसे आज का तो घड़ी किसका हाथ में, कोई नहीं जाते ना, बहुत डेवलप हो गया, एक दिन ऐसे जगह पे हम आ जाएगा। लेकिन मैं ये मेरा मैंने किसी फैक्ट्री किसी ज्ञान में भी प्राण नहीं बना सकता है, क्या बोलते हैं, मैंने प्राण नहीं बना सकते, प्राण की फैक्ट्री ने, जीवन की फैक्ट्री ने श्री परमेश्वर के हाथ में, ध्यान रखना, कौन कौन अपना मर्जी में यहां पैदा हुआ है बताओ, दुर्गेश जी अपना मर्जी में पैदा हुआ है, मैं चाहता है मैं परिवार बदलना चाहते हैं, कैसे करूं, जया देवी अंबानी का परिवार में जोड़ना चाहते हैं, कैसे करूं, कुछ जुगाड़ है बताओ, मोहन भाई कुछ जुगाड़ है, अनार सिंह जी के पास हो जाएगा जुगाड़, मैं परिवार बदलना चाहते हैं, अरे मेरा पापा मामी बहुत गरीब है, थोड़ा अमीर पिता माता चाहते हैं, मैं भी कम से कम अंबानी नहीं हो सकता तो अमिताभ बच्चन का, अरे तो नहीं लगता ये नहीं हो सकते ना, आपका परिवार किसने दिया है बताओ, जोर से, किसने दिया परिवार, परमेश्वर ने दिया है, परिवार कंप्लेन करेगा तो परमेश्वर को कंप्लेन किया है, समझ सकते ना, और आपकी लंबाई किसने बनाया है, नहीं जिम वाला ने बनाया है, मेरा बेटी ने बोले पापा थोड़ा आप लंबा होना चाहिए, बोले मैंने बोले बेटी मैं भी थोड़ा लंबा होना चाहते हैं, तो क्यों लंबा नहीं होते, बोले मैंने बोले परमेश्वर ने ऐसे बनाया है, अरे नहीं आप प्रार्थना नहीं करते हैं, बोले फिर मैंने बोले प्रार्थना भी करते लेकिन दूध ज्यादा नहीं पीता, इसलिए कि उसको दूध ज्यादा पिलाना चाहते है, मैं समय लिए ध्यान रखना, हम कुछ भी बोले खाली प्राण नहीं है, हमारा ये स्ट्रक्चर है ना, ये भी हमारा इच्छा में नहीं है, आजकल कुछ भी करेगा, कभी कुछ बाल क्या करते अलग अलग रंग लगाते हैं, लेकिन अच्छा नहीं है, ये परिवार प्रभु ने आपको दिया है, आपका माँ बाप प्रभु ने दिया है, आपका बच्चों प्रभु ने दिया है, ध्यान रखना, इसको नहीं जानते बहुत लोग कंप्लेन किया है, मैं भी कंप्लेन किया लेकिन प्रभु मेरा दिमाग खुल रहे, आपका पिता सुमित आपका पापा दुनिया में सबसे अच्छा पापा है, आमीन, ये हो सकता है, दुर्गेश जी जानते हैं ना,
हाँ मैं आप बाहर जाते ना बारे बारे लोग कार में आते, अरे मेरा पिता हो जाए बता, बोले मत बोलना आपके लिए सबसे अच्छा पिता आपका पिता। माँ बाप भी जानना चाहिए हमारा बच्चों को सबसे प्रभु ने हमको दिया है सबसे अच्छा है, ऐसे रूप में हम एक दूसरा को ना लगे। ये प्राण किसके हाथ में? प्रभु के हाथ में। इसलिए परमेश्वर ने बोला आपके प्राण के ऊपर आप चिंता मत करना, लेकिन हम क्या करते हैं? चिंता करते हैं। प्रभु इस तरफ बोले कि हम इस तरफ ऐसे हमेशा परमेश्वर के साथ ऐसे चलते हैं, हम विश्वास होने के बाद भी समझ सकते हैं ना, ये हमारा परमेश्वर है ना, जिसने आपको बहुत प्रेम किया, जिसने आपको प्रेम किया सिर्फ हमारा उद्धार के लिए नहीं है, स्वर्ग के लिए नहीं, ये संसार में भी शांति खुशी रहने के लिए चाहता है। इसलिए चिंता मत करना। बहुत लोग चिंता होते हैं, हमारे यहां में भी 99% हो सकते हैं चिंता। अब चिंता मत करना, मैंने नहीं बोला, प्रभु ने जिसने आपका जीवन बनाया उसने बोला, ये बताए आपकी प्राण के बारे में आप चिंता मत करना। अभी आपके प्रॉब्लम चिंता का प्रॉब्लम है, आपका नाम आपके बेटा का नाम चिंता चिंता मणि चिंता कुमारी चिंता कुमार रखना पड़े, ठीक है ना। आप लोग बहुत चिंता हो बतो, जिस दिन आपका बेटा पैदा हो जाएगा चिंता कुमार रखेगा, बेटी पैदा हो जाएगा चिंता मणि सोचना है। देखो ये परमेश्वर ने यीशु मसीह ने बोला चिंता मत करना, क्योंकि वो जानता है आपके जीवन क्या है मेरे जीवन क्या है, इसको सोचना। ये परमेश्वर के वचन है, बहुत कुछ होता है इसमें कि हम क्या खाए और क्या पहने, ये सब चीज दुनिया नॉर्मल व्यक्ति ये चिंता करते हैं, ज्यादा लड़ाई इसके द्वारा है। क्या पहने क्या खाए आप चिंता कर, मैं नहीं बोला है काम मत करना, नहीं बोला है काम मैंने बंद नहीं किया है, प्रभु ने नहीं बोला है काम मत करना, लेकिन चिंता जब आप काम करते चिंता के साथ काम करता है ये अच्छा नहीं है, बिना चिंता में उसके ऊपर भरोसा के साथ काम करना जरूरी है, समझ सकते हैं ना। ये बहुत फर्क है जमीन और आसमान के फर्क है। कई लोग चिंता के साथ काम करते हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं आप काम करना बिना चिंता में, उस पर भरोसा रखो, हर काम में उस पर भरोसा रखना जरूरी है, समझ सकते हैं ना। हाँ जी, बारह सोता भी उसके ऊपर भरोसा रखना, इसके हम क्या खाए क्या पहने। मेरे को बहुत परमेश्वर ने मेरे को आशीष दिया है प्रभु की दया में, मैं आप लोग के सामने सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए बताना चाहूंगा। मेरा बीवी मेरा बच्चों कपड़े पहनने में कोई दिक्कत नहीं, कोई सब कपड़ा भी पहनेगा, किसी ने देगा खुशी से पहनेगा। मेरा मदम भी ये है, किसी व्यक्ति ने अपना कपड़ा देगा वो थोड़ा क्या होते पुराना भी खुशी से पहनेगा, बच्चों भी ऐसे खुशी से पहनेगा, इसमें हम चिंता नहीं करते हैं। मेरा भी है, ये तो किसी लोग ने मेरे को दिया है, नहीं देगा कैसे हम पहनेगा। कभी कभी पहने कपड़े में हमारा दिमाग को खराब करना नहीं चाहते, समझ सकते हैं ना। आजकल क्या करते हैं जवान लोग क्या करते हैं, और क्या हमारा बहन लोग भी कितना सारी है कर रहे हैं। सबसे पहले जब सबसे पहले पूछेगा उसी समय में पहनने के लिए है, खाना के समय में पहनने के लिए, तो उसके बाद हर संदेह में नया, हर बाहर जाएगा नया नया नया, उसमें चिंता होता है। आपको भी तो सर जी नया कपड़े हैं, ये नया है okay. ये नया किसी ने दिया मेरे को, तो गंदे पहन के आएंगे ये नया है okay. मैंने नया पहना आज, हाँ जी हाँ, किसी ने मेरे को दिया इसलिए खुशी से पहना है। आपको तो मिलते रहते हैं,
और लोगों से मिल के आए। मिलने का बात नहीं, जिसको आपके पास है उसी से पहनना, ठीक है, किसी खुशी से पहनना, जो आपके पास आते खुशी से पहनना, ठीक है। यह बात है, मिल नहीं मिलेगा भी कोई बात नहीं, ठीक। जब आपका दिमाग मारो मेरा ये आपका दिमाग तस्लीम में आ जाएगा तब आशीष आ जाएगा। अमेन। पैसे वाला का पैसे मिलते हैं, धन वाला का धन मिलते हैं, मिलते हैं ना। आपको भी पास पैसे है, आपको पास मिलते हैं, जो गरीब है गरीब लोगों को नहीं मिलती है। देखो अभी धन के बारे में मैंने बोला ना, पैसा का नीचे रखना, ठीक है, वही तक है। जब तक आप पैसा का कंट्रोल नहीं कर पाएगा आपका जीवन खुशी नहीं हो जाएगा, शांति नहीं हो जाएगा, आप आशीष नहीं पा सकेंगे। शांति हर काम को आप खुशी से आप करेगा उसमें शांति आशीष आता है, समझ सकते ना। ये हमेशा ध्यान रखना। जब खाना बनाते हैं एक ही चीज से, मेरा बात ध्यान से सुनो दाई देवी, खाना आपने बनाया है ठीक, एक ही चीज है जो आपके हाथ में है, उसी चीज को हमारा भूमि बहन के हाथ में भी है, आप दोनों ने बनाया है, श्वास अलग अलग निकलता है, हो सकता है ये एक ही श्वास आ सकेगा, क्यों मतलब दोनों है, दोनों बराबर आपने दिया है बनाया है, क्यों किसको, ये किसके द्वारा हुआ है, समान को, समान को ऊपर में, ये इंसान के ऊपर, इंसान के ऊपर है, इसको ध्यान रखना। मैं आप लोग को ध्यान बता रहे हैं, इंसान क्या ऊपर में है, ये मटेरियल के ऊपर में नहीं है। एक व्यक्ति थोड़ा कपड़ा थोड़ा पे फटा हुआ पहने लेकिन शांति है खुशी है, और एक ने बहुत हाई फाई पहना है उसका मुख दिखते नीचे, कौन सा वाला सुंदर है बताओ, जो शांति वाला, शांति वाला का। ये कपड़ा में शांति नहीं दे सकते है, सुंदरता असली सुंदरता बाहरी में नहीं होते है, अंदर वाला में। इसके लिए क्या है, हर काम को खुशी के साथ भरोसा में, प्रभु की भरोसा में काम करना, जवान लोग रहना जरूरी है। रविका कैसे आपका काम अच्छा लगता है ना, ये बीती बीती लाइफ में क्या ना लगता आपका, आप सक्सेस होना चाहते हैं ना, सच्ची में आपके हाथ में सक्सेस, किसी ने नहीं देगा, किसी से तस्वीर से काम कितना कमाते कितना नहीं कमाते आप मत सोचना। एक दिन खुशी से आप काम करें, दूर दूर से लोग आपके पास आए, समझ सकते हैं ना। ये मैं हमेशा बोलते मेरा बच्चों को भी बताते, आप लोग जब पहुंचे करते मतलब ये क्या बोलते हैं फ्लोर पहुंचा पहुंचा भी आप करते फर्स्ट क्लास में, उसका मामी हमेशा बोलते आपका पीछे किसी ने कंप्लेन ना करने के लिए सफाई रखो, ऐसी होना चाहिए। प्रेस वाला भी अच्छा से प्रेस करना चाहिए, अच्छा नहीं होगा तो दोबारा का पास कोई नहीं आ जाएगा, खुशी से गुस्सा से हो जाएगा। हमारा स्कूल में वहा बाइबल स्कूल में ये हमारा टीचर है, वो दोनों क्या होते हैं, उसका बीबी टीचर है, दोनों टीचर है। घर में कुछ लड़ाई होएगा तो यहाँ पे क्लासरूम में हमेशा गुस्सा होता है उसका बीबी, हम लोग को डांटते रहते वो। दो बार तो मैंने सोचते ये क्या हुआ, मैंने थोड़ा मतलब उसको सीखने के लिए उसका पीछे जाते हैं, मैंने जानना चाहते क्या हुआ। जब शुरू में दरवाजा आ जाएगा रात में घर में कुछ दोनों लड़ाई हो तो गुस्सा के साथ अंदर घुसे क्लासरूम में आ जाएगा, हम लोगों को डांटेगा क्या क्या है। मैं बहुत गुस्सा हो गया, एक दिन तो सब तो सोचा सोचा लोग है ना, मैं तो थोड़ा उम्र भी हो गया पादरी भी है, मैं खड़े होके मैडम क्या है व्हाट बोले मैडम, मैंने बोले घर में कौन से खाना बनाया आपने, वहां में आपने कौन से चिल्ली मतलब ये चिल्ली को क्या मिर्ची खाए, मैंने बोले क्या बोलते बोले, जब आप मिर्ची खाते यहां में हमेशा हमारा सामने आपने दिखाते बोले
उस नीचे देखता है। ऐसे मत करना, हम लोग ऐसे दस दिन नहीं, हम लोग मैंने बोला है दस दिन पे सब खराब डाल देना, ऐसे नहीं। एक बार क्या करते है, उसने मेरे को हमारा तीन पांच लोग को कुछ लिखने के लिए दिया है, लिखने का पहले उसके पास ले गए, हम मेरे पूछे मतलब ऐसे ऐसे लिखने, हम कैसे लगते हैं अभी कंप्लेन करो, कुछ क्या करना है बदलना हो तो बताओ। ठीक है लिखो लिखो बोले, हम लिख दिया। तीसरा दिन में मैंने प्रेजेंट किया है, उसने बार बेकार है बोला है, बेकार है बोला, मेरे को गुस्सा हो गया, दोबारा नहीं बनाऊंगा ये, आपने बताए वैसे क्या है, आपसे तो मैं यहां से मेरे को निकालो, कोई बात नहीं, एक रुपया भी मेरा कोई नहीं काटेगा, यहां से मैं चले जाएगा। सब लोग बोले निकालेगा, कोई बात नहीं मेरे को निकालेगा, ऐसे व्यक्ति के साथ में हमेशा सीखना नहीं चाहते। मैंने बोला मैं क्या बोलना चाहते, ऐसे बोलते बहुत लोग काम करते खुशी के साथ नहीं करता, इसलिए आशीष नहीं पा सकता। समझ सकते ना मेरे पास, हर काम स्वतः बारह स्व कोई भी हो खुशी के साथ काम करना है और प्राण के लिए चिंता होना नहीं, क्या खाएगा क्या पहने, जब तक आपका चिंता हो जाएगा हमेशा गंदा खराब पीते पहनते रहेगा, किसी ने आपके कपड़ा नहीं बदलेगा, किसने बदलेगा, खुद अपना मन में बदलेगा। समझ सकते हैं, दोबारा मैं इसको रिपीट करना चाहता हूं और खत्म करना, में किसी ने आपके कपड़ा और आपकी परिवार नहीं बदलेगा, पादरी आपके घर बदलने के लिए नहीं आएगा, आपके कपड़ा बदलने के लिए कोई नहीं आएगा, आपने बदलना है। कैसे बदलने मैं बता रहे हैं, आज आप सब बहुत चिंता के मतलब मेहनत करते हैं, मेहनत ही में आशीष नहीं होता है, मैं नहीं बोलता सिर्फ मेहनत को जरूर काफी नहीं है, खुशी से भरोसा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के काम करने में आशीष होता है। समझ सकते हैं ना, आपके कपड़ा किसी ने नहीं बदलेगा, आप खुद बदलना पड़ेगा, चिंता मत करना, इसमें लिखा है प्राण के लिए क्या चिंता करना, क्या खाएगा क्या पहनेगा और शरीर वस्तु से बचकर नहीं, ये लास्ट के लिए शरीर और ये जीवन दोनों है, हमारा जीवन कहां पे है, जीवन जब बोलते हैं क्या कहां पे ये जीवन बताए, जीवन कहां है, अंदर में है, ये जीवन और आत्मा एक ही है ना, और शरीर अलग है, शरीर अलग है ना, नहीं नहीं कैसे है बताइए, परमेश्वर ने जीवन दिया, कहां रखता है वो, अंदर है, अंदर है, ठीक है, अंदर वाला, ये शरीर है, ये शरीर है ना, परमेश्वर ने शरीर बनाया है ना, कुछ दबा चाहिए मैं, मेरा ये क्या है, चश्मा, ध्यान से देखना, ये क्या है, चश्मा है, ये चश्मा भी है, ठीक है, जब ये मैंने मेरा बैग में क्यों डालते हैं, सेफ्टी के लिए, बैग में डालू सभी, सही रास्ता सही जगह में डालू इसको, क्यों, क्या खाली है, क्या खाली हो गया, आपसे निकाल दिया ना, हाँ देखो ये मैंने हर हमेशा घर में भी ऐसे अच्छा जगह में रखता हूं, क्योंकि अंदर मेरा चश्मा है, ज्यादा ध्यान देता है इसलिए इसको भी मैंने अच्छा जगह में रखता है, लेकिन पूरा मेरा फर्स्ट ध्यान तो कहां पे है, इसलिए नहीं है, ठीक है, खाली इसको ध्यान देता है कि अंदर में मेरा चश्मा उसको मेरे लिए जरूरत है, लेकिन जिस दिन इसको निकालूंगा ये घर में भी मिलूंगा तो मैंने बोला कि इसको कहां फेंको, बोल दस दिन में फेंको,
मदम की यहाँ रखते रहते हैं, दस दिन देखे को बोलूंगा। दो दिन तीन दिन पहले मैंने जेब में रखते हैं, अभी फेंकने के लिए मैंने बोला है, क्या हुआ? खाली हो गया। कुछ मैसेज आप लोग समझ सकते हैं कुछ है? हमारा शरीर है जीवन के द्वारा खाली इसको देना होता है। एक दिन आपका जीवन चले जाएगा, खराब हो जाएगा, फेंका जाएगा इसमें।